कैसे हैं? तो सिंपली गाइस, जो है आज मैं जो डिस्कस करने वाले हैं अगर IBPS कलर 214 के कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के बारे में, तो सिंपली ले चलते हैं अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो यहाँ पे मैं आपको जो है एडुकेटेड इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो सिंपली गाइस, यहाँ पे जो है हमारी वेबसाइट ओपन हो चुकी है। तो यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे जो देखने को मिल जाएगा अगर IBPS कलर का जो है 14 कंप्लीट इन्फॉर्मेशन 2024। कई सारे बंदों का डिमांड था कि इसका जो है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के बारे में बताइए। तो इसमें हमें क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, मोड ऑफ एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे और सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे और क्वालिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे और साथ ही इंपॉर्टेंट शेड्यूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे और जून वाइज वैकेंसी के बारे में डिस्कस करेंगे और एज रिलैक्सेशन के बारे में डिस्कस करेंगे और एग्जाम सेंटर के बारे में, प्रीलिम्स में सो एग्जाम फाइटर एंड एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2024। यानी कि गाइस यूट्यूब पे जो है ऐसी फर्स्ट वीडियो है जो इसमें आपको इतना इन्फॉर्मेशन देने वाली। तो सिंपली गाइस, यहाँ पे जो है कई सारे बंदे क्वालिफिकेशन पूछ रहे थे, इंपॉर्टेंट शेड्यूल पूछ रहे थे, कोई मेंस हो और प्रीलिम्स मेंस पूछ रहा था, कोई एज रिलैक्सेशन पूछ रहा था, कोई एग्जाम सेंटर पूछ रहा था। तो सारा जो है टॉपिक मैंने इसमें मेंशन किया है, इसी बारे में आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप वीडियो कंप्लीट रूप से देखिएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तो गाइस चलते हैं अपने मेन टॉपिक पे। यहाँ पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो ऑर्गेनाइजेशन कराता है इंस्टीट्यूट बैंक ऑफ पर्सनल जो है पर्सनल सिलेक्शन IBPS होता है, पोस्ट नेम जो है क्लर्क होता है। इसमें जो वैकेंसी आई थी यहाँ पर 6128 वैकेंसी और पार्टिसिपेटिंग बैंक आपका 11 होता है। रजिस्ट्रेशन डेट आपका 1 से लेकर 28 जुलाई 2024 तक है, यानी कि अब जो डेट फिनिश हो चुका है। मोड ऑफ एप्लीकेशन ऑनलाइन एग्जामिनेशन होते हैं इसके, एग्जाम मोड आपका ऑनलाइन ही होता है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस आपका प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम्स होते हैं और जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट आपका होता है। एज लिमिट आपका 20 से 28 तक है। इसमें एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो इसमें जो है SC ST OPWD के लिए 175 और जनरल और अदर के लिए 850 रुपये रखा गया है। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस पर आप जो है चेक कर सकते हैं, IBPS.in है। इम्पोर्टेंट शेड्यूल की बात करें तो इसमें कई सारे बंदे सर जो है एडमिट कार्ड कब रिलीज होता है इसका बता दीजिए, इसके एग्जाम कब होते हैं बता दीजिए। तो गाइस जो है यहाँ पे मैं सारा शेड्यूल आप लोगों के रिक्वेस्ट पर लेके आया हूँ। तो IBPS कलर नोटिफिकेशन 2024 के लिए जो होता है 3 जून 2024 को रिलीज हुआ था नोटिफिकेशंस। IBPS कलर का अप्लाइंग ऑनलाइन स्टार्ट हुआ था 1 जुलाई 2024 से। IBPS कलर का अप्लाइंग ऑनलाइन लास्ट डेट आपका 28 जुलाई 2024 है यहाँ। और इसके IBPS कलर की प्रीलिम्स एडमिट कार्ड जो है रिलीज किया जाएगा 12 अगस्त 2024 को रिलीज कर दिया जाएगा। तो आप लोग इसको अपडेट रहिएगा। अब वीडियो कंप्लीट रूप से देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा, नहीं देखेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा और यही कमेंट में पूछेंगे कि इसका क्या हुआ है उसका क्या हुआ। कोई भी वीडियो आप गाइड जो है कम्प्लीट रूप से देखा करिएगा। तो इसमें सारा जो है मेंशन किया है, जो बंदे इंटरेस्टेड है इसको देखें और जो नहीं है तो वो जा सकते हैं। IBPS कलर प्रीलिम्स एग्जाम डेट 2024-25-31 अगस्त 2024 को जो है कंडक्ट कराया जाएगा। IBPS कलर एग्जाम डेट 2024-13 अक्टूबर इस कलर एग्जाम डेट 2024 के लिए। तो इसमें वैकेंसीज बात करें यहाँ पे जो है स्टेट वाइज वैकेंसी आप देख सकते हैं यहाँ पे, और जो है यहाँ पे अंडमान निकोबार का लिए कितनी वैकेंसी है, AP के लिए जो 105 है और अरुणाचल प्रदेश के लिए 10 और यहाँ पे जो है असम के लिए 75, बिहार के लिए 237 और चंडीगढ़ के लिए 39 है, छत्तीसगढ़ के लिए 119, दादरा के लिए 105 है, दिल्ली के लिए 268 है, गोवा के लिए 35 है, गुजरात के लिए 236 है, हरियाणा के लिए 190 है, हिमाचल प्रदेश के लिए 190 है, जम्मू एंड कश्मीर के लिए 20 है, झारखंड के लिए 70 है, और फिर जो है कर्नाटका के लिए 457 है, केरला के लिए 106 है, लद्दाख के लिए 3 है, लक्षद्वीप के लिए इसमें कोई नहीं है, आप वैकेंसी सबमिट हो जाए। MP के लिए गाइस आप 354 है, महाराष्ट्र के लिए 590 है, मणिपुर के लिए 6 है, मेघालय के लिए 3 है, और मिजोरम के लिए गाइस यहाँ पे 3 है, और नागालैंड के लिए जो है 6 है, और उड़ीसा के लिए 107 है, फिर जो है पुडुचेरी के लिए 8 है, पंजाब के लिए 404 है, और फिर जो है राजस्थान का जो है 205 है, यहाँ पे सिक्किम के लिए जो है 5 है, तमिलनाडु के लिए 665 है, तेलंगाना के लिए 105 है, त्रिपुरा के लिए 19 है, और यूपी के लिए
1246 है, सबसे ज़्यादा इसी में देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड के लिए 19 है, और इसके बाद इसमें वेस्ट बंगाल के लिए 331 है। रोहित ने मैसेज किया था, रोहित राहुल गौरव ने पूछा था कि सर मेरे स्टेट में कितनी वैकेंसी आई हैं, और टोटल नंबर ऑफ पोर्टफोलियो बात करें तो 6128 वैकेंसी आई है इस बार। तो हर स्टेट वाली वैकेंसी आप चेक कर लिए गाइस, आप चेक करके मैंने बता दिया, आप दे सकते हैं। एज रिलैक्सेशन पूछ रहे थे, तो आप एज रिलैक्सेशन 5 साल के लिए, ओबीसी के लिए, आप जो 3 ईयर के लिए, आप जो पर्सन स्पीच डिजेबिलिटी के लिए 3 ईयर की जो है एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड मिल जाएगी। आप इसको रीड कर लीजिए या तो इसलिए शूट ले लीजिएगा। फिर हम जो है इसके एग्जामिनेशन की बात करें, इसमें इंग्लिश लैंग्वेज का जो है 30 क्वेश्चन आपका 30 मार्क्स के, न्यूमेरिकल एबिलिटी 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स है, रीजनिंग एबिलिटी 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स है। नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो 100 होता है, मैक्सिमम मार्क 100 होता है। इसमें टाइम जो है 1 आवर का दिया जाता है। और मेंस की बात करें तो मेंस में जो है रीजनिंग एबिलिटी और कंप्यूटर एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स है। इंग्लिश लैंग्वेज का जो है 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, क्वान्टिटी एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स होते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ जो 90 होता है, मैक्सिमम मार्क आपका जो है 200 होता है, यानी कि प्रीलिम्स आपका 100 होगा और मेंस आपका जो होता है आपका 200 का होगा। इसमें जो ड्यूरेशन दिया जाएगा और 160 मिनट का दिया जाएगा। एग्जाम सेंटर आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ एग्जाम सेंटर है, इसको जो है कहाँ कहाँ पे दादरा, दिल्ली, गोवा, पनाजी, गुजरात में कहाँ कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में कहाँ, केरला में कहाँ पड़ेगा, लद्दाख में कहाँ पड़ेगा, ये जो स्टेट वाइज है इसकी सिटी और जो पास में सिटी है आप देख सकते हैं। यूपी के लिए कहाँ कहाँ तक है इसको भी आप देख लीजिएगा, ठीक ना। फिर हम कट ऑफ की बात कर लेता हूँ, तो यहाँ पे जो है इसका कट ऑफ जाएगा आंध्र प्रदेश का जो जनरल का जो 81-85 जाएगा, असम का जो है 79-82, बिहार का जो है EWS का 78-81, छत्तीसगढ़ का 77-80 और NOBC का जो है 77-79। चंडीगढ़ के लिए जो है बात करें तो इसका कोई डिमांड नहीं था। दिल्ली के लिए 78-80, EWS का 78-81 और OBC का 76-79 है, और गुजरात के लिए 75-79 और गोवा के लिए 48-55, हिमाचल प्रदेश के लिए 84-91, हरियाणा के लिए 80-85, जम्मू कश्मीर के 85-88, झारखंड के लिए 82-87, MP के लिए 78-85, महाराष्ट्र के लिए 72-75, SC के लिए, इसमें MP के लिए SC 70-72 है। फिर हम बात करेंगे इसमें उड़ीसा के लिए 86-88, पंजाब के लिए UR का बात कर रहा हूँ, पंजाब का 81-85, SC के लिए 69-74, एंड राजस्थान के 82-74, और एंड कर्नाटका के लिए 75-78, OBC का 75-79, तेलंगाना का 78-83 है UR के लिए, UP के लिए 79-84 है UR के लिए, और जो पूछा गया था मैं इसी में से गया, उत्तराखंड का कोई नहीं था कमेंट, वेस्ट बंगाल का 85-80 है, वेस्ट बंगाल के बंदे ज़्यादा इंटरेस्टेड है, SC के लिए 76-78, TW 79-81, OBC का 80-84 है, और तमिलनाडु का OBC का NCL का 65-70 है, और त्रिपुरा का 80-84, ये सब का नहीं पूछा गया था। तो गाइस यही सब है, इसे आप कट ऑफ देख लिए हैं, तो इतना तक जो है जोन वाइज कट ऑफ प्रीलिम्स के जाएगा। यहाँ पे गाइस जो है 2024 का है, तो मैंने जो है 2023 में यहाँ लिख दिया, इसके लिए सॉरी, यहाँ पे इस जो कट ऑफ में बता रहा हूँ 2024 का कट ऑफ है। तो यही सारा जो मेन प्रोसेस है गाइस, तो आप इसको ध्यान से दीजिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, आप वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, आप सब्सक्राइब करके ना करो लेकिन लाइक जरूर करो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अगर आपके पास कोई भी क्वेरी होगा तो मेरे कमेंट बॉक्स में जो है ड्रॉप कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपकी क्वेरी का रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।